फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द निराली स्टाइल. मनीषा दुग्गर हियर. हाँ, इस बार आपने मुझे मिस किया, बिल्कुल किया ही है. इतने मैसेजेस इंस्टाग्राम पे भी कि इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुआ. कुछ प्रॉब्लम्स ही थी, हेल्थ इश्यूज थे, तो वीडियो नहीं बना पाई, शेयर नहीं कर पाई. लेकिन आप सबको बहुत मिस किया, बिकॉज आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स ही तो मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं. सो, आज का वीडियो वही है जो हमने लास्ट टाइम पे मैंने शेयर किया था लास्ट वीडियो में, कि मैंने कुशन कवर्स मंगाए थे अमेज़ॉन से, जो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे. तो उनके पॉम्पम बनाने की बात थी, उसको कंटिन्यू करते हैं. और सेकंड थिंग, हम लोग का एक और भी वीडियो पेंडिंग चल रहा था, जो मैंने एक वेस्ट वुलन स्वेटर में से कुछ सॉक्स वगैरह एक्सेसरी बनाई थी. तो उसमें बाकी का जो बचा हुआ था स्वेटर, उसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, ये दोनों वीडियोस के मैं लिंक भी शेयर कर लूँगी. अगर आपने मिस किए हैं तो आप देख लीजिए, बिकॉज इसी का कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं. और थोड़ा सा मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज आई एम नॉट स्टिल परफेक्ट. तो मैं उतना खुल के आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज कर दीजिए. सो ये हैं वो कुशन कवर्स मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं, और इन्हीं का पॉम्पॉम लगाने थे साइड में, तो मैं शेयर करूँगी आपको. ये वाले राउंड पिलोज भी मसन वाले याद होंगे कि हमने कैसे वेस्ट में से बनाए थे. मैं वीडियो इसका भी शेयर करूँगी अगर आप रिकॉल करना चाहें. तो इन कुशन्स का हम अब पॉम्पॉम बनाएंगे. तो ये है हमारा वूल जो अमेज़ॉन से मंगाया था. ऐसे दो आए पूरे, मैंने इनको खोल के कहीं पे भी रैप नहीं किया, बिकॉज़ ये इस फॉर्म में आया तो इससे पॉम्पॉम बनाना और सिंपल हो गया. अगर मैं इसको खोल कर, मतलब स्मॉल ऐसे रोल्स बना लेती और फिर बनाती, तो मुझे क्या करना होता है, एक बॉक्स की हेल्प से इसको रोल करती और ना फिर कट करती. इट बिकेम वेरी इजी बिकॉज ये लूज़ फॉर्म में आए थे, तो मुझे जितना जितना यूज़ करना है ना, मैंने उतने में ही टाई करना है और फिर कटिंग कर देनी है. तो बहुत इजीली बहुत सारे पॉम्पॉम बहुत जल्दी से बन जाएंगे. सो लेट्स सी कैसे. ये मैंने वूल लेके उसको टाई कर लिया, और टाई करके फिर उसको कट कर लिया, फिर चारों तरफ से एक्स्ट्रा थ्रेड्स कट करके एकदम रोल होके पॉम्पॉम रेडी है. बहुत सिंपल और बहुत सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद, आप देख ही रहे हैं. सो ये रहे हमारे फिनिश्ड पॉम्पॉम. इसको नीडल और थ्रेड की हेल्प से हम लोग इसमें स्टिच करते जाएंगे. बस दो तीन बार थ्रेड्स को आगे पीछे इसमें ऐसे लेके, और ये फिक्स हो जाएंगे इसमें. वापस से इसमें से लेके दो तीन बार करना है, और उतने में ये इस क्लॉथ में अटैच हो जाएंगे. सो ये हमारा कुशन चारों पॉम्पॉम के साथ रेडी है, और बाकी क्वेश्चंस पे भी इसी तरह से पॉम्पॉम लगाना. एक सजेशन आपसे ही ले लेती हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें अगर यहाँ पे भी एक पॉम्पॉम लगाया जाए तो कैसा लगेगा. प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा कि यहाँ पे साइड्स में भी अगर एक एक पॉम्पॉम लगाया जाता है, रुक जा, टिक जा, इस तरह से, तो क्वेश्चन क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर. चलिए इसके साथ ही हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा जो वेस्ट वुलन रह गया था, उसको मेकओवर देते हैं कि उससे हम और क्या रिसाइकल करके बना सकते हैं. अगर याद ना हो तो ये वाला वुलन था जिसकी स्लीव से हमने सॉक्स बनाए थे, एक मग कोजी बनाया था एक साइड से, और एक कैप बनाई थी वुलन. तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगी लिंक, आप उसको देख सकते हो. और बाकी का बचे हुए वुलन से आज क्या बनाते हैं देखते हैं. स्वेटर को स्ट्रेट रख के ये 4 फीट का मेजरमेंट लेके ऐसे राउंड में इसका कट कर लिया, और डबल लेयर कट की थी मैंने,
और फिर इसका हाफ पोर्शन कट कर रही हूँ, ये भी डबल लेयर पे कट कर रही हूँ ताकि पूरा पैर बन सके। और जो इसका नेक था, नेक में से मैं दो पार्ट्स कट कर रही हूँ कॉलर वाले, ताकि हम लोग इसको स्टिच करके आगे जोड़ें। तो आप देख रहे हो हाफ़ पार्ट को मैंने फुल पार्ट पे रख के स्टिच कर लिया है। आप रनिंग स्टिच देख के बीच बीच में पक्का कर सकते हो, नहीं तो वो जो बैक स्टिच होती है आप उससे भी इसको पक्का कर सकते हो। तो ये हाफ़ पार्ट फुल वाले पे जोड़ने के बाद जो हमने ये कॉलर वाला रेड वाला काटा था, इसको हम लोग साइड्स में जोड़ेंगे। तो इट विल बिकम लाइक लोफर काइंड ऑफ सॉक्स। जो फिनिश लुक तो पूरा बनने के बाद ही दिखेगा आपको, लेकिन इस तरह से मैंने इसको जॉइन किया है। सो इसमें भी मैंने रनिंग स्टिच लिया है, लेकिन बीच बीच में मैंने इसमें पक्के टांके भी लिए हैं। आप बैक स्टिच यूज़ कर सकते हो उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड हियर वी आर ऑलमोस्ट डन। बस कुछ स्टिचेस और आगे के साइड भी ले लिया ताकि पूरा कवर हो जाए, कहीं से ओपन नहीं रहे, ताकि वुलन थ्रेड्स निकले नहीं बाद में वॉश के बाद। तो जितना अपन स्टिचेस को पक्के से कर सकते हैं उस तरह से किया। सो नाउ वी आर रेडी, बन चुका है हमारा। लेट्स हैव अ लुक कि कैसा बना है ये। तो है ना ये एकदम सिंपल चीज़ जो हम वेस्ट में से बना रहे हैं। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बहुत ही कूल लग रहे हैं, घर में तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने वेयर करके भी पूरा दिन स्पेंड किया, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो गाइस वी आर डन विद द पॉम पॉम। और इसके साथ ही हमने जो वुलन सॉक्स बनाया है लोफर काइंड्स, वो भी होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उससे एक और बात मुझे ध्यान आई, कभी भी पॉम्पम बनाने का काम है ना विंटर्स में मत कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, क्या हुआ, मैं उस दिन बड़े मज़े से पॉम्पम बनाए जा रही थी एंड ये वुलन मैंने पहन रखा था उस दिन, और पूरे वुलन पे वाइट वो वूल के पॉम्पम के थ्रेड्स चिपक गए। अब मैं इसको अगर वॉश भी करूँगी तो आई नो ये नहीं निकलेंगे, हैंड वॉश भी करूँगी तो भी इजीली नहीं निकलेंगे। सो मैं इसके लिए एक हैक शेयर करना चाहूँगी आप लोग से कि इसको पहले हम रिमूव कर दें और फिर वॉश करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आए। उसके लिए मैंने लिया सेलो टेप, ये रहा वो वुलन, और सेलो टेप को मैंने ऐसे हाथ में बांध दिया और इस तरह से मैं इसको रिमूव करती जा रही हूँ, एक तरह से वैक्सिंग कर रही हूँ मैं इसकी। तो ये छोटे छोटे जो वूल के रोएं चिपके हुए हैं ना पॉम पॉम वाले, वो इस तरह से निकल जाएंगे और फिर मैं इसको वॉश करूँगी तो ना तो ये किसी दूसरे कपड़े पे चिपकने के लिए वहाँ होंगे ही नहीं, और पूरे इस तरह से आप देखिए क्लीन हो गए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यहाँ तक देखा है तो पसंद तो आया ही है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।